मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज भी है नाश्पाती की सब्जी। अगर आप लोगों ने भी कभी नाश्पाती की सब्जी खाई है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो आप देखिए सिनेमैटिक शॉट। तो यहाँ पे मिल चुके हैं हमें अली भाई। तो ये हैं हमारे अली भाई। तो चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? बस घर जा रहे हैं। चलो तो फिर चलते हैं। ओके बाय। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैठी है महफिल और यहाँ पे लगी हुई है गप्पे। और मेरे फ्रेंड्स को हाय कर दो सभी, ताई जी, चाची जी। तो ये है मेरी बड़ी बहन, को तो आप लोग जानते ही हैं, ये मेरे हर एक ब्लॉग में आते हैं। और इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, क्योंकि वो मेरे हर एक ब्लॉग को शेयर करते हैं और सबको देखने के लिए बोलते हैं। तो बुआ जी बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों इनको मारने देते हैं गप्पे, अगर आप लोगों ने भी गप्पे मारने तो सेली में आ जाना। तो ये है मेरे ताई जी। ताई जी मेरे दोस्तों को हाय कीजिए। तो अभी चलते हैं गौशाला और आपको दिखाते हैं गाय। तो दोस्तों अभी हमारी गाय पी रही है पानी, और थोड़ी देर में अब पानी पीने के बाद इसे डालेंगे घास और फिर चलेंगे हम घर की तरफ। तो आप देखिए तब तक सिनेमैटिक शॉट। दोस्तों बड़ी बुआ आ रहे हैं पैदल और मैं और अतुल जा रहे हैं स्कूटी में। तो बुआ यहाँ ऊपर से लेंगे बस और हमें जाना है आज फिर से मंडी। तो चलो चलते हैं। चलो चलो आ जाओ भाई जी, भाई जी। दोस्तों आज भी हमें वो ट्रक वाले दोस्त मिल रहे हैं, भाई जी। दोस्तों हम हैं इस टाइम पंचवक्तर मंदिर के पास, और यहाँ पे जो है मंडी में तो बारिश नहीं लगी हुई है, पर पीछे बारिश लगी होगी जिसके कारण जो है पानी इतना गंदा आ रहा है। आप देख सकते हो आधे एरिया में थोड़ा कलर अलग है पानी का और आधे एरिया में अलग है। वैसे साफ पानी होता है यहाँ पे, पर बारिश के कारण जो है पानी इतना गंदा आ रहा है। मेरे को लगता है कुल्लू साइड बारिश हुई होगी, क्योंकि सुनने में आया था कि कुल्लू साइड बादल फटा हुआ है जिसके कारण मेरे को लगता है कि इतना गंदा पानी आ रहा है। और फ्लो भी आज पानी का जो है ज़्यादा हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो पानी का फ्लो आज ज़्यादा हो गया है और आप लोग देख सकते हो सामने है विक्टोरिया पुल जो आपको दिख रहा है। ये है विक्टोरिया पुल और ये 1870 में बना हुआ था नीचे वाला विक्टोरिया पुल, और अब नया पुल बना दिया गया है जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं। दोस्तों ये है विक्टोरिया पुल और आप देखिए तब तक सिनेमैटिक शॉट्स।
आए थे बुआ के घर, तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी चलते हैं अपशु को लेने और फिर चलते हैं घर। चलो चलते हैं अपशु को लेने। तो दोस्तों आप देख सकते हो शाम हो चुकी है और लोग जो हैं पडल ग्राउंड में खेलने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो सारे के सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं पडल ग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं। कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप शुरू आ गए क्रिकेट खेल के, तो अब चलते हैं घर की तरफ, इसको आने देते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों आप लोग वादियों का मजा आप देख रहे हो, कितना अच्छा मौसम हुआ है और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और रक्षित कर रहे हैं इस समय ड्राइव स्कूटी को और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। तो अगर आप लोगों को ये व्यू अच्छा लगता है और मेरी वीडियो भी अच्छी लगती है आप लोगों को, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरी वीडियो में। दोस्तों भाई साहब जो हैं बर्फी बेच चुके हैं और हम आए थे बर्फी के चक्कर में, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि बर्फी है नहीं है, तो हम अभी बेसन ले जा रहे हैं और यहाँ पे देखो यहाँ बेसन बहुत फेमस है। हाँ और देखो ये है परवीन भाई हैं और बहुत अच्छा बेसन हाँ। होता है। बर्फी की तो बात ही छोड़ो, बर्फी यहाँ हमारे फॉरन तक चले गए, चाइना चले गए, अमेरिका चले गए, चंडीगढ़। ये तो ज्यादा हो गया, नहीं चाहिए बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ देंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे जो है भाई साहब की बर्फी बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो अभी हम बेसन ले जा रहे हैं, किसी दिन बर्फी भी ले जाएंगे जिस दिन होगी। तो चलो चलते हैं और ये है बेसन भाई साहब दिखा रहे हैं, देखो आपको। तो दोस्तों अपने बिजू भाई भी यहाँ पे आ गए हैं, तो चलो आ जाओ घर, आ जाओ आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ तो बिजू भाई आ रहे हैं पीछे और अपने ताऊ जी भी आ गए हैं। नमस्ते ताऊ जी, चलो आए आए। तो नीचे देखो 10 लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो इन लोगों को कोई काम नहीं है, बेले हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो है भक्तजन माता के गुणगान कर रहे हैं और अभी हम हैं माता बगलामुखी के मंदिर में, तो आप लोग भी माता बगलामुखी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे हैं दियो बूढ़ा गुणों की, तो माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे बना रहे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:15 और आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।